क्षेत्र इलाके में नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पड़ोस के एक युवक ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया और वहीं शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पीड़िता के चाचा ने आरोपी को कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और आरोपी को थाने ले जाया गया, जहां दिन भर पीड़िता के पिता पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जब बात नहीं बनी तो देर शाम किशोरी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कंधई में गांव रजमनपुर में आज लगभग दोपहर को 12 बजे सूचना मिली कि एक 18 वर्षीय युवती के साथ उसी गांव के एक युवक ने दुष्कर्म का रात में कृत्य किया है। इस सूचना पर तत्काल एफ आई आर पंजीकृत की गई है थाना कंधई पे 376 IPC और 310/325 SC/ST Act में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको सुबह ही हिरासत में दे दिया गया था। इस मुख्य अभियुक्त का नाम है चंद्रकेश वर्मा, जो कि उसी गांव का रहने वाला है और इसकी उम्र 19 वर्ष है। पीड़िता का 161 का बयान महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में वीडियोग्राफी में कराया गया है। मेडिकल की कार्रवाई प्रचलन में है और इसके साथ साथ 164 का बयान भी अतिशीघ्र कराते हुए आगे की कार्रवाई। साहब हम लोग थे नहीं रात में, हम अपने ससुराल गए थे, जनानी मेरी बीमार चल रही है दवा कराने के लिए, तो हम लोग थे नहीं। रात में लड़का आया जबरदस्ती, लड़की नल के पानी भरने गई थी या कहीं बाहर निकली रही है, उसके बाद आए वो लोग घर में चुप गया, उसके बाद आई लड़की तो अंदर से बंद करके बलात्कार कर दिए। तो हमारा चिल्लाई लड़की, तो हमारा भाई आया, बंद किया कमरा उसको, रात भर बंद रहा, थानेदार साहब आए लेके यहाँ पे गए मौके पे।